हाय दोस्तों, 123 ऑनलाइन एग्जाम में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से SSB कैंप पे JD का मेडिकल टेस्ट चल रहा है, मैं आपको लाइव इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहां पे मौजूद हूं। और आशा करता हूं आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है, बस जितना व्यूज आप लोग दे देते हैं कम से कम उतना तो सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। तो बने रहिए मेरे चैनल में, तब तक के लिए मैं हर पल का इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, डेली का अपडेट देता रहूँगा। तो बने रही मेरे चैनल पे। जय हिंद जय भारत। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ से हैं? मगा से हैं। क्या हुआ है आज? आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। हाँ। और यूरिन, हाँ? ब्लड, हाँ? और चेस्ट का। अच्छा, चेस्ट हुआ है। अच्छा, आप लोगों का पहला दिन था यहाँ पे? हाँ, आज पहला। तो आज तो सैटरडे है, फिर कब बुलाए आपको यहाँ पे? मंडे को बुलाए। मंडे को बुलाए। तो क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या हुआ है आज? डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाँ हाँ, और सनद। हाँ, सनद जरूरी है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, सनद जरूरी है। हाई स्कूल के साथ सनद भी। और इंटर की मार्कशीट तो नहीं चली गई? मार्कशीट नहीं, इंटर की बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, हाई स्कूल बेसिस है तो इंटर। अच्छा अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ, भारत जात का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए जी। और उसके बाद? और आपका निवास होना चाहिए। डोमिसाइल नया चल जाएगा क्या? डोमिसाइल कब तक? नया चल जाएगा। अच्छा अच्छा जी। अब कास्ट सर्टिफिकेट का इशू क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट का आपका 1/10/2016 तक मांगा। अच्छा, ये 2016 तक का चल जाएगा। मैं शुरू से मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूँ कि 2016 तक का कास्ट सर्टिफिकेट चल जा रहा है। उसके पहले का होगा तो दिक्कत हो सकती है। उसके पहले का दिक्कत हो रहा है, वहाँ छाट दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं। या तो आपको समय दे रहे हैं कि आप जाइए, लेकिन दिक्कत हो जाएगी आप लोग के लिए। अच्छा अच्छा जी। तो यानी कि उसके बाद अगर सर्टिफिकेट में अगर पुराना है तो 5 दिन का टाइम देंगे कि नया बनवा के लाइए? दो चार दिन का समय दे रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन दिक्कत है, फिर बनवाओ, फिर जाओ, फिर वापस आओ। हाँ हाँ, सही। इस वजह से आपके मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं। हाँ हाँ, तो उससे अच्छा है कि आप नया सर्टिफिकेट तैयार करके ही नया आया। सर्टिफिकेट आप यहीं से करके जाओ। और एक एक नंबर देख रहे हैं कि नाम देख रहे हैं कि एक एक अक्षर का। अच्छा अच्छा, मान लीजिए किसी के नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि तो एफिडेविट दे रहे हैं कि नहीं? एफिडेविट मांग रहे हैं? एफिडेविट ले रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये कि तुरंत वहाँ पर आपको पहले ऑब्जेक्शन अलग कर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, अलग कर दे रहे हैं, आपको बैठाए, जब सबका खत्म हो जा रहा है तब जाके आपको आपका ले रहे हैं एफिडेविट बनवाने के लिए, समय दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, समय दे रहे हैं, यानी कि हो सकता है। हाँ, नाम गलती है तो नाम देखिए, अगर मार्कशीट में गलती है तो आपको बाहर कर देंगे। और किसी सर्टिफिकेट में गलती है तो? सर्टिफिकेट में है तो आपका चल जाएगा, उसके लिए एफिडेविट लगेगा। मार्कशीट में गलती है तो आपको बाहर कर देंगे। अच्छा अच्छा, और कोई और क्या हुआ है? ब्लड टेस्ट कहाँ पे हुआ है? ब्लड टेस्ट वही बगल में ही हुआ है। हाँ, और फिर यूरिन टेस्ट हुआ है। हाँ, और बाहर ले आके एक्सरे हुआ है। एक्सरे में क्या क्या हुआ है? एक्सरे में केवल सीना। हाँ, सीने के बस एक्सरे हुआ है। सीने का एक्सरे हो रहा है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं हो रहा है? चलिए, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है आपसे, मतलब आप पहले सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नाम वगैरह और हर एक चीज आप पहले चेक कर लें कि है कि नहीं है, तभी आप यहाँ प्रवेश करें। अच्छा अच्छा, क्योंकि हर आपका जाति प्रमाण पत्र भारत अंडर गवर्नमेंट होना चाहिए, प्लस उसके साथ उसका नाम जो इंग्लिश अक्षर में है वो एक एक अक्षर देख रहे हैं। आपका अगर हाई स्कूल में मिलेगा तभी आपका वहाँ से क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आपको अलग बैठा देगा। अच्छा, डायरेक्ट अलग बैठा दे रहे हैं। चलिए, तो आज किस बोर्ड में पढ़ा है आपका? मेरा 3 में पढ़ा है। चलिए, 3 नंबर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। चलिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन ये रहेगा कि सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट पहले देख लीजिए। फोटो कितना लग रहा है? फोटो 2 लग रहा है। अच्छा, थंब में किसी की दिक्कत हो तो चल जाएगा क्या? थंब में कोई किसी के दिक्कत नहीं आया अभी तक। अच्छा अच्छा, मेरे अभी तक देखने में। बाकी आप साफ सुथरा और हर चीज करके आइए। अच्छा, क्या बोले हैं कि अंदर क्या है? हाँ, कल के लिए। हाँ, मंडे को लिए क्या क्या बोले हैं आप? मंडे को 7:30 बजे बताए हैं कि आप लोग आ जाइएगा समय से। अच्छा, 7:30 बजे तक एंट्री ले लीजिएगा यहाँ पे। हाँ, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से आपका पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे, जो भी है उसका मेडिकल होगा यहाँ पे। चलिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन बस इतना है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका मंडे को सही से हो जाए। उसके लिए जो आना चाहते हैं तो इसको डेफिनेटली बिना
किसी हिचकिचाहट के आए और बाकी हर चीज सही जांच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर देंगे किसी चीज में। हाँ हाँ। आप सही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं कर सकता। हाँ हाँ, सही है। चलिए धन्यवाद। थैंक यू। नाम आपका? रामू चौर सिंह। कहाँ से हैं? कुशीनगर से। कुशीनगर से। क्या क्या हुआ है आज? पहला दिन था आपका? आज पहला दिन गेट पर लाइन लगा है, उसके बाद वहाँ पे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करके अंदर ले गया है। उसके बाद? और उसके बाद से 10-10 का बैच बना के बैठाया गया है। 10-10 बच्चों का बैच बना है? एक बैच में कितने बच्चे? 10 ही बच्चे हैं आज? मतलब 10-10 लाइन। अच्छा अच्छा, 10-10 लाइन। अच्छा, एक बैच में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। अब एक बैच में? हाँ हाँ, 30 बच्चे हैं। कोई एब्सेंट भी हुआ है क्या? एब्सेंट थे दो। एब्सेंट वालों को क्या क्या हो रहा है? एब्सेंट दोबारा मौका मिलेगा? दोबारा फिर मौका दिया जाएगा, वो लोग आएंगे तो उन लोग को ले लिया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ एंट्री लेने के बाद? उसके बाद से डॉक्यूमेंट फार्मूला है, 5 फार्मूला है। अच्छा अच्छा, उसके बाद? उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। हाँ, उसके बाद? और उसके बाद से जब वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद से ब्लड और यूरिन लिया गया है। हाँ, और एक्सरे हुआ है? एक्सरे के लिए बाहर ले गए। एक्सरे तो चेस्ट का हो रहा होगा ना? हाँ, चेस्ट। डॉक्यूमेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ना? सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद? निवास। निवास चाहिए। नया चल जा रहा है ना सब कुछ? हाँ, नया चल जा रहा। पुराना 2016 के बाद का दिक्कत हो सकता है? जिनका 2016 दिसंबर 2016 का पहले का है, उनका दिक्कत हो सकता है ना? होगा। उन बाहर कर दिए जा रहे हैं क्या वो लोग? बाहर नहीं, टाइम दिया जा रहा है। कितने दिन का टाइम दे रहे हैं? 5 दिन का टाइम। 5 दिन का टाइम दे रहे हैं बस। और कोई इन्फॉर्मेशन देंगे? नहीं है अभी हम लोग को। चलिए, मंडे को फिर बुलाया गया है? मंडे को बुलाया गया सुबह 7 बजे। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। तो बाकी इन्फॉर्मेशन तो भैया ये दे दिए हैं। चलिए, हाँ चलिए, मंडे को बेस्ट ऑफ लक आपका भी हो जाए।